अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच पार्टिकल इन एन एटम इज इन्वॉल्व इन अ कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा एटॉमिक जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो रहे हैं ना, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इन्वॉल्व इन अ कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बेटा इसमें अब हमने क्या करना है कि कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल की ये जो बन रहा है पूरी फॉर्मेशन ये बता देना है। अनदर वे दैट इसे काट दें, एन एटम कैन कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन होगी और ये फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, या आप वाटर की भी दे सकते हैं, कोई इन दोनों में से किसी एक की एग्जांपल साथ दे दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच पार्टिकल इज मेड इन अ कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा हम इसमें कहेंगे कि कोवलेंट मॉलिक्यूल इज मेड इन अ कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ कोवलेंट बॉन्ड एंड एन आयनिक बॉन्ड। ये बेटा इसका इन डिटेल आंसर आपकी वर्कबुक जो है उसके पेज नंबर 19 में जो फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ था कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और खुद पॉजिटिव आयन बन जाता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके एन आयन बन जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है, फिर दोनों आयंस में क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज हैं इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं और इस तरह वो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में हम देख रहे हैं कि इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना जो है ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं और यूं स्टेबल बन जाते हैं। क्लियर, ये इन दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज़ द फॉर्मूला CO2। ए है व्हाट एलिमेंट्स आर इन कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा उसके फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि केमिकल फार्मूला इंडिकेट द टाइप ऑफ द एलिमेंट्स that are present in the molecule and the number of each type of number of atoms of each type of elements। तो देखें इससे सी ओ टू से हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है कि एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम है। बहरहाल इसमें तो फिलहाल तो उन्होंने पूछा है वट एलिमेंट्स, सिर्फ एलिमेंट्स के एलिमेंट्स कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड। बी है हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सी ओ टू इंडिकेट वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। वी कैन से वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज ड्रॉ आर डायग्राम टू शो हाउ टू कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा इसके लिए ये देखें हमने इनका जैसे ये बने, हमने पहले भी स्ट्रक्चर देखे, अब खुद ये बनाना है। ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, 2 इन द फर्स्ट ऑर्बिट एंड 4 इन द सेकेंड ऑर्बिट। क्लियर, और ये ऑक्सीजन का एटम है, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, 2 इन द फर्स्ट एंड 6 इन द सेकंड चेन। इसी तरह ये भी ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम, जैसे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन के एटम और एक कार्बन के एटम है। अब हमने देखते हैं कि ये आपस में कैसे शेयर करते हैं। दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, कि ऑक्सीजन ने अपने ये दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए और इस एटम ने भी अपने ये दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके इस तरह ये कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये क्रॉस वाले ये जो है देखें ऑक्सीजन के हैं, ये भी यहाँ पे भी ये इस ऑक्सीजन एटम के, और ये सर्कल जो है ये कार्बन के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। इन दिस वे मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। क्लियर, थैंक यू।